अरे अभी नहीं योग, मैं सोने जा रहा हूं। गुड नाइट यार, ये लड़का कभी बड़ा नहीं होगा। बड़ा कब होगा तू? ये लड़का कभी बड़ा नहीं होगा। दादाजी आप आइए ना, अंदर आइए। कल तू ऑफिस लेट जाएगा, अपने मैनेजर को बता दे। युग ही मेरा मैनेजर है दादाजी। ओए वो तो नकली मैनेजर है, असली मैनेजर को बता। और युग भी तो हमारे साथ चलेगा। चल गुड नाइट। अच्छा एक मिनट दादाजी, कल मैं ऑफिस लेट क्यों जाऊंगा? क्योंकि मैंने डिसाइड किया है। अब सच भी बोल दो, तेरा एक्सीडेंट हुआ था इसलिए तुझे लेके जाना है एक जगह। कहाँ? भरोसा नहीं? कर तू कहता के भरोसा है तो बता देता। अच्छा अच्छा ठीक है दादाजी, प्लीज बता दो। भरोसा है, फुल भरोसा है, प्लीज। मैं कुछ भी कहूँ कि ये लड़का बड़ा नहीं होगा या ब्लैक बेल्ट वाले दोस्त है मेरे, पर सच तो तेरे सामने है पुत्र। ये दिल अब तिल तिल करके बूढ़ा होता जा रहा है और कमजोर भी होता जा रहा है। अब ऐसे क्यों? बोलने को कहा है तो सुन ना। तेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं सहम गया था। मैं दिखाता नहीं हूँ, आखिर दादा तेरा हूँ ना, लेकिन मैं अंदर से बहुत घबरा गया था पुत्र। इसलिए तेरे लिए एक पूजा रखी है और वो कल करनी है। मेरी खातिर आएगा ना तू? आएगा ना पुत्र? ठीक है दादाजी, मैं आऊँगा। इसलिए जान है तू मेरी। चल गुड नाइट। गुड नाइट दादाजी। अरे यार पूर्वी जी, कितना टाइम लगाएगी, जल्दी करना। दी बाहर निकल, चल लेट हो रहा है बहुत। दी जल्दी आ बाहर। पूर्वी दी, नहीं निकला ना? नहीं। यस। क्या यस? दी मुझे पता था ये नहीं निकलेगा। दी तू पंडित जी की बात क्यों नहीं मान रही जो उन्होंने तुझे बोली? ये अंगूठी तुम्हारा भाग्य है, जिसके हाथों से पहना वो तुम्हारा सौभाग्य, और वही तुम्हारा कुमकुम भाग्य है। दिया तू चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो तो ये भी कह रहे थे कि पापा जिंदा है, लेकिन दी पंडित जी की बात में दम था। पंडित जी है वो, हैवी थोड़ी ना कुछ भी बोलेंगे। और जितने विश्वास के साथ वो बोल रहे थे ना, मुझे यकीन है कि वो सच बोल रहे थे। बस फैमिली में कोई साथ देने वाला मिल जाए। दिया सच बोल रही हूँ दी, मैं तेरे पापा को भी ढूंढने निकल सकती हूँ। मैं तो इतनी इम्प्रेस हूँ ना पंडित जी से कि उनकी अनभक बन गई हूँ। मत बन दिया, मैं भी नहीं बन सकती, मुझे नहीं हो रहा है विश्वास। तू खुद बता, पापा होते तो हमसे दूर होते क्या? घर नहीं आते वो हम सबसे मिलने? पता नहीं दी, तू हमेशा अपने दिल की सुनती है ना, तो इस बार भी अपने दिल की सुनना, अपने दिल पर विश्वास रख। और मेरा दिल तो यही कह रहा है कि पंडित जी सच कह रहे हैं और तेरा भाग्य आरवी से जुड़ी है। दिया तू क्या चाहती है बता मुझे, उसकी कार में जाके बैठ जाऊं, जाऊं देखूं उसके पास क्या क्या कलेक्शन है? नहीं होगा मुझसे ये सब। अरे दी पर मैंने उसका ऑलरेडी सोशल मीडिया देखा है, उसके पास एक से बढ़कर एक कार है, बहुत सारा बड़ा कलेक्शन है उसके पास। दी तू क्यों नहीं चली जाती उसके साथ कार? क्योंकि मैं तेरी जैसी नहीं हूँ ना कि ऐसी किसी भी लड़कों के पास ऐसे चले जाऊं। हाँ दी, पर किसी के घर जाकर उनसे जान पहचान बढ़ाने में क्या दिक्कत है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं काम करती हूँ, उसके घर जाती हूँ ठीक है, और वहाँ पे जाके उसकी वाइफ से मिलती हूँ, है ना? पागल, क्या वो शादीशुदा है? दी उसकी पत्नी भी है? मुझे क्या पता, तूने उसका सोशल मीडिया देखा है, तुझे पता होगा, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। हाँ यार कैसा आदमी है, अपनी वाइफ को सिर्फ किचन तक ही रखता है। अब मुंह बंद कर ठीक है, और ये आरवी की बात करना बंद कर, और प्लीज ये हेल्प करना रिंग निकालने में। हाँ दी बहुत लेट हो रहा है, जल्दी कर, वो हमें मंदिर में जाना है ना सगाई की पहली वाली पूजा के लिए। हाँ। आशुतोष के साथ चल जल्दी, बहुत देर हो रही है। हाँ हमें काम करते हैं, किचन से ऑयल लेके उससे निकालने का ट्राई करते हैं ठीक है। चल अब जल्दी से हेल्प कर मेरी, और ये आरवी की बातें करना बंद कर अब तू ठीक है। बिल्कुल टाइम नहीं हमारे पास, मेरे हाथ में चाय। कहाँ भाग रही हूँ, बाल देख अपने कैसे हाल बना रखा है। पता है ना आज एंगेजमेंट है, कहीं चोट वोट लग जाए तो तू ना ध्यान रखा कर। और आशुतोष आता योगा लेने, पता है ना उसको वेट मत कराना, कितना पंक्चुअल है पता है ना वो टाइम का। हाँ, और सुन
पूजा के सामान का क्या है? बड़ी माँ से पूछा, यहाँ से लाना है, वहाँ से लाना है, क्या कहीं से लेना है? अच्छा हो तू नहीं निकली, ये लो सामान की लिस्ट छूट गया था। अच्छे से सब कुछ चेक करके ले आना। आपने बनाई है, क्या चेक करना, ठीक ही होगी। अच्छा माँ सुनो ना, इसको बोलो कि टाइम से तैयार है, आशुतोष आता ही होगा, ऐसे टाइम पास करें यहाँ पे। चिंता मत कर, मैं जा रही हूँ इसके साथ, इसी बहाने मेरे भी दर्शन हो जाएंगे। जा रही है फिर तो टेंशन ही नहीं, निश्चिंत रह, तू बस सामान अच्छे से ले आना। हाँ ठीक है, और तेरी लाडली का ध्यान रखने के लिए मैं हूँ ना। बहुत बड़ा दिन है, देखना तेरे साथ सब अच्छा अच्छा ही होगा, मैं चाहती हूँ सारी बेस्ट चीजें तुझे मिले। ओए क्या हो गया, इतना सारा आशीर्वाद मिला, स्माइल तो कर। अच्छा सुनो मैं बाल बनाने जा रही हूँ, तुम लोग रेडी हो ना, बस दो मिनट में आई हूँ। ठीक है मैं भी निकल रही हूँ, और कुछ चाहिए तो मुझे कॉल करना, मैं लेके आऊँ। ठीक है, और सुनना गैस बंद कर देना, अभी बस ऑन किया। हाँ हाँ माँ, बाय। चाय पी लेना, बाय बाय बाय। बच गए, चल जल्दी जल्दी चल जल्दी चल। दिया सुन, जल्दी देख। क्या? अरे मुझे मत एक तेल देखना। हाँ तो वही देख रही थी ना, तूने बोला तुझे देखते, मुझे लगा तुझे देखना है। जी हाँ जल्दी कर। हाँ मिल गया दी, मिल गया, चल 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 जल्दी चल। हाँ चल जल्दी उतार। हाँ पकड़ टैलिस में। हाँ ये इससे निकल जाएगा फॉर श्योर। ठीक है नहीं निकल रहा है, तेल भी फेल। हाँ अब यार ये कैसी फंसी है रिंग, बिल्कुल नहीं निकल रही है, काटनी पड़ेगी। हे उंगली कोई काटता है क्या? अरे उंगली नहीं अंगूठी काटनी पड़ेगी। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये एंगेजमेंट की अंगूठी, इसे नहीं काट सकते। रुक मैं निकल जाएगी अभी, देखना। पर कैसे? और लगाती हूँ ना तो तेल में डुबकी लगाएगी क्या? अरे नहीं तेल नहीं, जोर लगाती हूँ स्टूपिड। एक काम कर, तू तीन बार माता रानी का नाम ले और फिर देखूंगी मैं। ठीक है जाएगी, निकल जाएगी। नहीं निकली तो? नहीं निकली फिर तो? फिर तो क्या? अरे तू कोशिश तो करना निकालने की, फिर बताती हूँ। तीन बार नाम लेना माता रानी का। हाँ यही करते हो, बहुत साचे दरबार की जय। बोल शेरा वाली की जय, बोल पहाड़ा वाली की जय। ठीक है निकली? नहीं निकल रही है। एक काम कर तू, मन्नत मांग। हाँ माता रानी प्लीज रिंग निकाल दो, मैं ना चार शुक्रवार चार गुरुवार आपके लिए व्रत रखूंगी, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है जय माता दी। निकल जा। हाँ। निकली? नहीं निकली, मतलब मैं सही थी। किस बारे में? मैंने कहा था ना तीन बार माता रानी का नाम लेना और नहीं निकली फिर तो? फिर तो क्या? फिर तो ये माता रानी का संकेत है कि जिसने तुझे रिंग पहनाई वो तेरे दिल में बस कर ही दम लेगा। पूर्वी तू रेडी है ना, चल आ जा, आशीष आ गया। चल जल्दी चल 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 चल। दिया अब क्या करे? अब आरवी को पकड़ते हैं। दिया तू चुप करेगी? अच्छा सुन इस रिंग के बारे में आप किसी को बताना मत। लेकिन दी, दिया तू चुप करे, जितना बोला ना उतना समझ, अब चल जल्दी। हाँ हाँ समझ गई, चल लो। हाँ हाँ शगुन का सामान हो गया, फल हो गए, साड़ियाँ तो लेनी थी, मिठाई और फूल। फूल लेने टूटे
मेरा जान कैसा है ये बंधन बोले तड़पन लागी झूठे ना लागी झूठे ना सर क्या हुआ मुझे लगा वो है पर वो नहीं थी ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं अरे ऐसे कैसे नहीं बोलेंगे पूजा की थाली के नाम पे लूट मचा रखी आप लोगों ने क्योंकि आप जानते हो ना कि कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि भगवान की पूजा की बात है ना उनकी पूजा की थाली इसलिए श्रद्धा के नाम पे लूट लो है कि नहीं आप खुद जोड़िए ना ये दो अगरबत्ती ये सूखा सा नारियल चार गेंदे के फूल इन सबका जोड़ के भी जो कीमत आपने कही है ना उससे 10 गुना कम कीमत है आपको तो लूटना है हमको हम ऐसे नहीं लूटेंगे ठीक है 5 रुपए कम कीजिए आप मेरी बात आपको 5 रुपए कम करने पड़ेंगे बस मैं जाके उसे लेके आती हूँ नहीं तो कल से पहले पूजा शुरू नहीं होगी हाँ अगर आशुतोष जी माने तो युग ये पकड़ अबे पकड़ पूजा की थाली पकड़ ये मेरा हाथ अच्छे से पकड़े है दादाजी मैं ये क्यों पूजा की थाली पकड़ते हुए शर्म आ रही है आपको पता है ना मैं यहाँ क्यों आया अपनी मर्जी से तो आया नहीं हूँ इधर मुझे पता है मैं तो ये जबरदस्ती लाया हूँ और अब जबरदस्ती पूजा की थाली उठाने के लिए कह रहा हूँ चल अब दादाजी वो क्या कहते हैं उसमें सर दे दिया तो उससे डरना क्या सर से हेलमेट हटा ही दिया तो फिर बारिश से डरना क्या नहीं नहीं दादाजी आपने तो कहावत ही बदल दी कुछ भी तो मेरी मर्जी मैं कुछ भी बोलूं वो देख पंडित जी बिजी थैंक यू मुझे तो दिख ही नहीं रहा जा बुलाओ पंडित जी को जा जा मैं टीचर हूँ ठीक है ना वो भी हायर सेकेंडरी का समझे कि नहीं अरे पैसे बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे थे लेकिन क्या है ना पंडित जी का फोन आया था वो इंतजार करे पूजा करना है ना अरे ऐसे कैसे मैं अभी कराऊं तो इससे भाव तोल किसी और दिन कर लेंगे ना हिसाब किसी और दिन कर लेंगे देख रहे हो पैसे बर्बाद करी तुम्हारी बड़ी माँ अरे मैं तो उससे ना भाव तोल करके ना पूरे 5 रुपए कम करवा रहा था लेकिन ये है कि एक मिनट मत मानना बेटा लेकिन तुम्हारे 5 रुपए के हिसाब से ज्यादा ना पूजा का टाइम पे शुरू होना ज्यादा अरे बस एक मिनट चलो चले चल आ जाओ चलो 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 आ जाओ जल्दी जल्दी काफी व्यस्त हैं आप जी सब प्रभु का कार्य है उसी में व्यस्त हैं अच्छा ये मेरा बेटा है मतलब मेरा पोता जिसकी पूजा करवानी है फोन पे बताया था ना आपको हाँ हाँ तो शुरू करें जी हम इनके लिए 2 परिक्रमा पूजा करेंगे जिससे सभी प्रकार की बुरी नजर से सुरक्षित रहेंगे और आने वाली विघ्न बाधाएं भी टल जाएंगी क्या है ये तो फोन पे लगा दाजी लेकिन क्या होनी है इंटरनेशनल कॉल है सुना नहीं नहीं मतलब नहीं वो यार पूजा होनी है तो प्रॉब्लम क्या है आपको तो पता है ना मैं भगवान में नहीं मानता हूँ और क्यों नहीं मानता हूँ ये भी आप जानते हैं देख अगर तू फिर से पुरानी बातों पे आ गया है ना तो फिर बात ही खत्म तो वैसे ही हमें देर हो रही है ऊपर से यहाँ पे इतनी भीड़ भी है सर आपने कहा था यहाँ से चलते हैं उल्टा मैं बोल रहा था दूसरी तरफ से जाते हैं आप तो ऐसे बोल रहे थे जैसे यहाँ मार्केट में किसी को आप जानते हैं हाँ सॉरी मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई मुझे यहाँ पे खींच रहा है अरे उनको मदद की जरूरत है मैडम ओ मैडम
थैंक यू पर मैं नहीं, सर ने। थैंक यू। जल्दी चला गया। क्या लगता है सब सही कर रहे तुम? मैं भगवान में नहीं बिलीव करता तो नहीं करता ना यार, अब क्या करूं? अरे भाई नाराज होके चले गए वो। अच्छा ठीक है, फाइन, ओके, करूंगा, करता हूं, बस। पक्का? सिर्फ दादाजी की खुशी के लिए। चल मैं वहां ढूंढता हूं, तू वहां देख, ठीक है? सारे वादे वादे रह गए आधे, है कसूर क्या, है कसूर क्या? जीत के भी हारे हारे ख्वाब ये बेचारे, ये फितूर क्या, ये फितूर क्या? दुनिया दीवानी इश्क न जाने, इश्क न जाने, दिल तो बस दिल को पहचाने। नैनों से नैना टकराए, न जाने क्या गुंडे अखियां। पूर्वी, 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 दादाजी क्या है ये? आप मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी हो जो इतने नखरे करोगे? और भगवान का शुक्र है मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, वरना तेरे जैसा बॉयफ्रेंड तो बहुत बेकार होता। अच्छा सॉरी सॉरी। अरे खून के आंसू रुलाता। कोई सॉरी वॉरी नहीं चलेगी, तू मेरे से बात मत कर। अच्छा अच्छा क्यूट नहीं लग रहा? थोड़ा भी क्यूट लगेगा तो माफ कर दूंगा। सॉरी ब्रो, मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि मैं तो पैदा ही क्यूट हुआ हूँ, लेकिन तुझे क्यूट लगने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, राइट दादू? अरे मेहनत मेहनत छोड़, थोड़ी सी स्माइल भी दे देगा तो वो भी चलेगा, पर इससे तो वो भी नहीं होना है। यस, स्माइल भी देगा तो जबरदस्ती पत्थर मार दादू। इसे स्माइल कहते हैं?
स्माइल को पता चल जाए ना तो वो भी शर्मा जाए। हाय मैं ऐसी हूँ। दादाजी बस ना प्लीज। भाई अब दे देना दिल से वाली स्माइल। चल ना भाई प्लीज। ना ना अब टाइम ना लगा, दादाजी का मूड ठीक होने पे ही है दादू, राइट? अब मार दे स्माइल का थोड़ा, राइट दादू? ओके। इससे नहीं होगा, चल इसी से काम चला लूंगा, इससे ज्यादा इसके पास है भी नहीं है। चल माफ किया। थैंक यू। अब बोल तो पूजा करेगा मन में विश्वास रख के? करूंगा। गुड, तो चल। यार पार्टनर आप थोड़ा जल्दी नहीं मान गए? ओए भड़काऊ नारद, मैं नाराज ही कब हुआ था? मैं तो एवं ही नाटक कर रहा था। चल पंडित जी इंतजार कर रहे हैं, देर हो रही है, चल अब। अच्छा पहले हक तो दे दो। ओए फालतू में डरा दिया आपने मेरी जान। भाई वो पूर्वी है ना? पूर्वी?